उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए केंद्र सरकार किसानों को तबाह करने में जुटी है। सिद्धू ने कहा है कि किसानों और आढ़तियों के बीच दशकों पुराना रिश्ता चला आ रहा है और ये हिमायतें करते हुए किसानों को डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम का विरोध किया। पटियाला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सिद्धू ने कहा कि उन्होंने कहा है कि अगर किसानों को डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है तो इसमें कम से कम 30% किसानों को उनकी फसल का भुगतान ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस जमीन पर वो खेती करते हैं वो किराए पर होते हैं और जमीन के रिकॉर्ड में संबंधित खेती करने वाला कोई जिक्र नहीं होता है। इसके साथ ही सिद्धू ने कृषि कानूनों को भी रद्द करने की मांग की और कृषि कानूनों को गलत बताया। तो डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम का नवजोत सिंह सिद्धू ने विरोध किया है। उनका कहना है कि डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम से किसानों और आढ़तियों के बीच जो दशकों पुराना रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा, कटवाहट पैदा हो जाएगी और डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम से किसानों को जो है 30% किसानों को डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो किराए पर जमीन लेकर अपनी खेती करते हैं। और साथ ही साथ इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की भी मांग की है। तो डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम का मामला जो है आजकल पंजाब में गर्माता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन सीएम कैप्टन ने भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और इस पर विचार करने की अपील की थी। उससे पहले भी एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं और आज एक बार फिर से कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम से जो है किसानों और आढ़तियों का रिश्ता खराब हो जाएगा, दोनों के बीच कटवाहट पैदा हो जाएगी और क्योंकि जो रिश्ता है वो दशकों से चलता आ रहा है, कुछ किसान जो है खेतों को किराए पर लेकर अपनी खेती करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलेगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया। साथ ही साथ तीन कृषि कानूनों को लेकर वो अक्सर कहते आए हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून जो है किसानों के हित में नहीं है और केंद्र सरकार पर किसानों को तबाह करने का आरोप भी नवजोत सिंह सिद्धू ने लगाया है। आपको बता दें कि डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम का किसान भी विरोध कर रहे हैं पंजाब में और कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से किसानों के साथ है। किसान कांग्रेस सरकार का कहना है कि वो पुराने तरीके से ही किसानों को पेमेंट पे करेगी। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है इससे किसानों को फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार का यही दावा है कि 2022 तक किसानों के आय को दोगुनी करने के लिए वो हर कदम उठा रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है और किसानों को गुमराह करने का आरोप केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार पर लगाया जा रहा है। पीयूष गोयल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब को एक चिट्ठी लिखी, मेरे दोस्त ने, मैं जानता हूं उन्होंने, पर उहदी जिहड़ी सौड़ी नीयत है उहदा जिहड़ा अंडर करंट है वह झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। जड़ों पट दूं झूठ नूं, वैसे भी झूठ दे पैर नहीं होंदे। उस चिट्ठी दे विच सब तो वड्डा मनसूबा यह है कि साडा एज ओल्ड ट्राइड टेस्टेड सक्सेसफुल APMC का जिहड़ा मंडी सिस्टम है उन्हें अस्त व्यस्त करना, उन्हें डिसरप्ट करना और पंजाब दे विच एक डिविजन पैदा करना भी किसान वीर सब समझते हो वो आड़तियों के खिलाफ खड़े हो जाए, आरती उन्होंने खिलाफ खड़े हो जान और दोनों पुछ के पंजाब सरकार नूं खड़ के सवाल करन भी थो तो सरकार नहीं चलती, थो तो साड़ियां समस्यावां दा हल नहीं हुंदा। ए डिविजन जिहड़े गोरे पैदा करदे हुंदे सीगे ए डिविजन पैदा करन दी कोशिश की जा रही है। पीयूष गोयल साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब नूं एक चिट्ठी लिखी, कोविड होया सी, कोविड लखां करोड़ों मजदूर हजारां मील तोरे तुसीं नंगे पैरी बिलक बिलक के मरे, पहला उहदा जवाब दे ह्यूमन राइट सी कि नहीं सी, जा दे जवाब, मैं आना जिथे कहना वो ह्यूमन राइट वाले नहीं, नंगे पैर तोरे तुसीं, तुहानूं शर्म ना आई हैं, गरीब बेआबरू कीता तुसीं, किहनूं सम्मान दिंदे हो तुसीं,
किनू जफ्फियां पाने हो, किनू खड़के वेलकम कर दे, किसान शहीद हो गया, एक शब्द बोले